ये जो एल्बम है कृष्ण रूपा, वो रूपा ने म्यूजिक डायरेक्शन किया है और इसमें फाइव सिंगर्स हैं। अरे यार, बहुत ही खूबसूरत एल्बम है एंड डिवोशनल एल्बम और बहुत स्पिरिचुअल है, और जो बच्चियाँ ने गाई हैं बहुत खूबसूरत गाई हैं। और आप मैं इसे दो तीन हफ्ते पहले सुना और मैं आज इनॉग्रेशन में सुना, और वाकई गाने जो हैं बहुत खूबसूरत हैं एंड आप ज़रूर सुनिएगा, इट्स ब्यूटीफुल। ये सारे कृष्ण के भजन हैं और राइट फ्रॉम द हार्ट, अ ब्यूटीफुल एल्बम। कृष्ण रूपा एल्बम में मैंने दो गाने गाए हैं, एक तो छोटे से प्यारे से नंदलाला के बारे में जो गाना है वो मैंने गाया है, एल्बम की शुरुआत में ही वो गाना आता है, और दूसरा गाना है श्याम के संग। बड़े ही प्यारे दोनों गाने हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एल्बम है ये, और इतना बढ़िया सा मौका कृष्ण जी के साथ में, कृष्ण जी के लिए गाने का, इट्स अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। मैंने खूब सारा कुछ सीखा है, ना सिर्फ मज़ा किया है मैंने। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द होल टीम, और वंस अगेन आई विश कृष्ण रूपा ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है इस एल्बम में वो मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे मैं एक बच्ची हूँ, छोटी सी बच्ची, वैसे ही कृष्ण जी के बारे में जो उनके बचपन का जो गाना है नंदलाला, वो मैं आपको गा के सुनाऊंगी। भोला सा बड़ा प्यारा सा, खटखट सा दुलारा सा, ठुमक ठुमक चलता है गिरता संभलता है, ठुमक ठुमक चलता है गिरता संभलता है, देखो तो जरा कैसी लीला, कौन है ये नंदलाला, नटखट नंदलाला। ये कृष्ण रूपा जो एल्बम रूपा ने जो किया बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने उसको पहला कुछ कभी सुना नहीं था, अब सुना और पहले सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो म्यूजिक जो है उसमें ही पावर है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक गाने से जो मैंने 10 साल पहले बनाई थी, जो लिरिसिस्ट हैं अजय चौहान, उनके साथ ये गाना हमने बहुत पहले बनाया था, और उसी से इस एल्बम का सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा बहुत सालों से हमारे दोस्त हैं जो चाह रहे थे कि कुछ लिखे, हमारे इतने सारे गाने वो सुन चुके हैं, ऐसे जब हम मिलते हैं ऐसे एक साथ, तो उनको उनके भी चाह थे कि एल्बम बाहर आए, तो फैमिली के पुश से और मेरे चाहत से ये एल्बम आई है, और उस एक गाने से ही हम बाकी सारा एल्बम का कॉन्सेप्ट, एल्बम का थीम, हर गाने के पीछे क्या सोच है इसके बारे में सोचकर हम ये एल्बम बनाए। अब तो नैनन से नीर मिटा, अपने मुखरे का तेज दिखा, मैं व्याकुल जग से हारी, मैं व्याकुल जग से हारी, जिस रूप में चाहे इस युग में आ, कृष्णा कृष्णा। आप शायद ताजुब करेंगे, लेकिन एक 30 उम्र का लड़का या 30 उम्र का आदमी जो है वो ये एल्बम सुन के कहता है कि मैं ये गाने कभी नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास आया है मुझे इतना अच्छा लगा। ही वो हिप हॉप सुनता है, पार्टी सॉन्ग सुनते हैं, तो अगर उनको अच्छा लग सकता है तो किसी को भी अच्छा लग सकता है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को ये गाने अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि ये अपने संस्कृति में रूटेड है, अपने रागों में रूटेड है।